हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे और हमने एक कोड डेमो के थ्रू देखा कि रैंडम फॉरेस्ट को आप कैसे एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं OOB इवैल्यूएशन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलमोस्ट सभी ऑनसेंबल टेक्निक्स में दिखाई देगा, बैगिंग, रैंडम फॉरेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है और क्यों यूजफुल है वो हम लोग देखेंगे। एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि रैंडम फॉरेस्ट में आप ट्रेनिंग कैसे करवाते हो। मान लो आपके पास एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट के अंदर लेट्स से 1000 रोज हैं, देर आर 1000 रोज। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप 5 डिसीजन ट्रीज को ट्रेन कर रहे हो। दीज आर द 5 डिसीजन ट्रीज लाइक दिस। और अब आप क्या कर रहे हो, आप डिसाइड किया आपने कि आप हर डिसीजन ट्री को 500 रोज दोगे। ठीक है, और बूटस्ट्रैप ट्रू रखा, मतलब सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट होगा, मतलब जैसे ही कोई रो निकल के यहां जाएगा वो वापस भी आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने एक एक करके रोज निकालने शुरू किए फॉर डिसीजन ट्री 1। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले रो नंबर 21 सेलेक्ट हुआ, तो इन 500 में से जो पहला रो है वो 21 है, फिर आप 21 को वापस यहां पे डाल दिए। फिर जो अगला रो सेलेक्ट हुआ वो 32 था, फिर 43 था, फिर 21 फिर से था, और इस तरीके से आपके 500 रोज आपने डिसाइड कर लिए। ऑब्वियसली यहां पर कुछ रोज ऐसे होंगे जो मल्टीपल टाइम्स आ रहे होंगे, जैसे कि 21, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो कुछ ऐसे रोज भी होंगे जो कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे, सिंस आपने क्या कर रखा है, आपने कर रखा है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। इसका मतलब यह है कि कोई एक पर्टिकुलर रो मल्टीपल टाइम सेलेक्ट हो सकता है, वेर एज कोई रो ऐसा भी हो सकता है जो कभी भी सेलेक्ट ना हो किसी भी डिसीजन ट्री के लिए। ठीक है, इसी तरह के रोज को बोला जाता है आउट ऑफ बैग सैंपल्स बोलते हैं। ऐसे सैंपल्स जो कि कभी भी सेलेक्ट नहीं हुए किसी भी डिसीजन ट्री में जाने के लिए। ठीक है, तो एसेंशियली इन डेटा सेट्स को कभी आपके मॉडल ने देखा ही नहीं, मतलब दीज डेटा सेट्स, दीज रोज, ये जो OOB सैंपल्स हैं, ये हिडन रहते हैं आपके मॉडल से। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन रोज को उठा करके टेस्टिंग कर सकते हो। जब एक बार आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो ये जितना भी डेटा बचा हुआ है जो कभी भी किसी भी मॉडल के अंदर नहीं गया, उसको यूज करके आप अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसा है। एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा चुका है कि 37% आपका रोज हमेशा बच जाते हैं, रफली 37% रोज OOB सैंपल्स होते हैं। जब भी आप बैगिंग परफॉर्म कर रहे हो या फिर रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो 37% डेटा आपका मॉडल देखता नहीं है, तो इसको आप एज अ वैलिडेशन सेट यूज कर सकते हो। टू फाइंड आउट आपका मॉडल कितना बढ़िया ट्रेन हुआ है। एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर रहा हूं। सो इन समरी, जब भी आप बैगिंग परफॉर्म करते हो और रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म करते हो तो आप अपने डेटा का सबसेट निकाल करके बेस मॉडल्स को देते हो और ये पूरा प्रोसेस रैंडमली होता है। अब अगर आप सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर रो मल्टीपल टाइम्स पिक हो सकता है, वेयर एज कुछ ऐसे रोज भी हो सकते हैं जो कभी भी पिक ना हो। मैथमेटिकली स्पीकिंग आप ये प्रूव कर सकते हो कि 37% डेटा कभी भी उस बैग के बाहर नहीं निकलता। अब कायदे से इसका नाम इन द बैग होना चाहिए, बट इसको हम आउट ऑफ बैग सैंपल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, सिंस इनको कभी हमारे मॉडल ने देखा नहीं,
हम इनको यूज करके अपने मॉडल को वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, और इनका यही काम होता है। ओबी का बस यही पूरा का पूरा फंडा है, बट इसको इंटरव्यूज में पूछा जाता है टू चेक आपको ये डीपर कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे मैं एक डेटा सेट के ऊपर ओबी इवैल्यूएशन चला के दिखाऊंगा, ठीक है। सो कोड मैंने पहले से लिख रखा है, मैं आपको साइड बाय साइड रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। हार्ट सीएसवी बोल के एक डेटा है, हम उसको यूज कर रहे हैं। दिस इज द डेटा सेट, बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है, 300 रोज है इसके अंदर। हमने उसके अंदर से एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट निकाला, और फिर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई किया। अब रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यू हैव टू मेक श्योर, अगर आपको ओबी इवैल्यूएशन करना है तो आपको ओबी स्कोर पैरामीटर को ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। इसको मैंने रन किया, मॉडल को ट्रेन किया, और अब मॉडल को ट्रेन करते ही मेरे पास ओबी स्कोर अंडर स्कोर पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू है, 0.80 है, अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द आउट ऑफ बैग सैंपल्स। इस मॉडल का एक्यूरेसी होना चाहिए 0.80, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं एक्स टेस्ट के ऊपर एक्यूरेसी स्कोर निकाल करके, और यू कैन सी इट इज कमिंग आउट टू बी 0.86। थोड़ा सा वेरी कर रहा है, बट आपको रफली एक एस्टिमेट मिल जाता है कि आपके मॉडल का एक्यूरेसी कैसा जा रहा है, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये पूरी चीज क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।